दोस्तों द ग्रेट थॉट्स चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 13 नवंबर। और अगला है दोस्तों, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है IIT बॉम्बे। और अगला है दोस्तों, हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है RK सिंह। और अगला है दोस्तों, कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। और अगला है दोस्तों, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है हरियाणा। और अगला है दोस्तों, हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। और अगला है दोस्तों, हाल ही में सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है TV अभिनेता। और अगला है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है भारत। और अगला है दोस्तों, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। और अगला है दोस्तों, हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है जयनंदन। और अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 70% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड। और अगला है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। और अगला है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका आंसर है 3.1%। और अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और अगला है दोस्तों, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है शिवनारायण चंद्रपाल। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।